जय हिंद जय भारत दोस्तों। हमारा भारतवर्ष जम्मू कश्मीर से लेके राम सेतु इतना बड़ा है। इस बीच में हमारे भारत में जो भी माताएं बहनें और हमारे भाई रहते हैं उन्हें भारतवासी कहा जाता है। लेकिन मुझे एक बात आश्चर्यचकित कर देती है कि जब भी किसी चुनिंदा राज्य में किसी बेटी का शोषण होता है, किसी मासूम बच्ची के इज्जत के साथ हैवानियत होती है, तब कुछ राजनीतिक पार्टियां और कुछ बिकाऊ न्यूज चैनल इन लोगों के लिए वह बच्ची भारत की बेटी हो जाती है। लेकिन जब भी बात राजस्थान जैसे राज्यों की एक मासूम बच्ची की आती है जिसके इज्जत के साथ हैवानियत का गंदा खेल खेला जाता है, उस टाइम पे क्या राजस्थान की बेटी पूरे भारत की बेटी नहीं होती? ए लोग, ऐसा दोगलापन हमारे भारतवर्ष के बच्चियों के साथ में क्यों कर रहे हैं? पूछता है सारा भारत। जब हमारे देश में बोला जाता है कि लड़का और लड़की एक बराबर है तो दोनों की जान की कीमत भी बराबर होनी चाहिए, तो क्या यह एंटोनिया माइनो की सेना पालघर में साधुओं के ऊपर हुई हिंसा पर, हुई हैवानियत पर क्या ये लोग न्याय दिलाने गए? क्या यह है हमारे भारत की संस्कृति? मुझे तो नहीं लगता यह हमारे भारत की संस्कृति है। यह इटालियन एंटोनिया माइनो की सेना की एक संस्कृति है। ये वही एंटोनिया माइनो है जो बाटला हाउस एनकाउंटर में मारे गए आतंकवादियों के प्रति अपना दुख व्यतीत करते हुए 3 दिन तक आंसू बहा रही थी। यह वही इटालियन एंटोनिया माइनो है जो सीरिया पर हुए हिंसा पर अपना दुख प्रकट करते हुए अन्य जल का त्याग करके बैठी हुई थी। क्या इस एंटोनिया माइनो ने कश्मीरी पंडितों के ऊपर हुए अत्याचार पर, हुए हिंसा पर, हुई दरिंदगी पर कभी आंसू बहाए? कभी भी अन्य जल का त्याग किया? कभी भी उन्हें न्याय दिलाने के लिए कोई कठोर कदम उठाया? अभी कुछ समय पहले जब बेंगलोर में हिंसा हुई, आगजनी हुई, तो क्या राहुल विंची, प्रियंका वाड्रा और इटालियन एंटोनिया माइनो वहां पर गए? वहां पर जाकर जिन लोगों के घर जले थे, जिनके साथ हिंसा हुई थी, क्या ये लोग वहां पर जाके उनसे मिले? जब पालघर में साधुओं के ऊपर हिंसा हुई तब क्या ये लोग वहां पर गए थे? और जब राजस्थान में मासूम बच्ची के इज्जत के साथ हैवानियत का गंदा खेल खेला गया तब क्या ये लोग वहां पर जाके उनके परिवार के साथ मिलकर कोई सहानुभूति प्रकट किए? लेकिन जब से उत्तर प्रदेश में बीजेपी गवर्नमेंट बनी है, बीजेपी गवर्नमेंट अस्तित्व में आई है, ना जाने क्यों कुछ विपक्षी लोगों के दिल में उत्तर प्रदेश के प्रति प्रेम उमड़ पड़ा है। क्या इन्हें उत्तर प्रदेश का इतिहास नहीं पता? ये वही उत्तर प्रदेश है जिसने हमारे भारत देश को ना जाने कितने प्रधानमंत्री दिए, लेकिन फिर भी इन लोगों ने उत्तर प्रदेश की संस्कृति के साथ, उत्तर प्रदेश के विकास के साथ एक गंदा खेल खेला है। इन्हीं लोगों की वजह से उत्तर प्रदेश जैसे महान राज्य की गिनती एक पिछड़े राज्यों में आती है। यह हमारा वही उत्तर प्रदेश है जिसे हमारे श्री रामचंद्र जी और श्री कृष्ण जी की जन्मभूमि बोला जाता है, लेकिन ये लोगों ने सदैव उत्तर प्रदेश के साथ एक राजनीति का गंदा खेल खेला है। क्या यही है विपक्ष का राजधर्म? असली मायने में विपक्ष का काम होता है कि गवर्नमेंट के किसी भी बिल पर विचार विमर्श करके उसे देशव्यापी स्तर पर लागू कराया जाए, गवर्नमेंट की गलत नीतियों पर विचार विमर्श करके उनका मार्गदर्शन किया जाए। देश हमेशा सरकार के और विपक्ष के परस्पर सहयोग के साथ ही चलता है।
विपक्ष को और सरकार को एक भाईचारे रूपी ढंग से मिलजुल कर देश को एक प्रगति के मार्ग पर लेके जाना चाहिए। पर वर्तमान में हमारे भारत की विपक्ष की स्थिति यह है कि अगर सरकार कोई भी बिल संसद में पेश करती है देश के विकास में, तो हमारा विपक्ष हमारे संसद के अध्यक्ष के माइक को तोड़ने का दुस्साहस करता है, हमारे संसद की कार्यवाही को भंग करता है। क्या यही है विपक्ष का राजधर्म? क्या यह वही विपक्ष है जिसने हमारे भारत देश में 60 साल राज किए? क्या एंटोनिया माइनो भारत में राज करते करते ये भूल गई कि विपक्ष का क्या राजधर्म होता है? देश में विपक्ष का असली मायने क्या होता है? आज अगर गवर्नमेंट एक बिल देश के विकास स्वरूप में लेके आ रही है, तो ये लोग सरकार को बदनाम करने के लिए, सरकार की छवि को बिगाड़ने के लिए जगह जगह दंगे प्रदर्शन करवा रहे हैं। जब CAA आया था तो यह वही विपक्ष था जिसने हमारे देश के लोगों को इस बिल के बारे में गलत सूचनाएं दी, जिसकी वजह से दिल्ली में हिंसक झगड़े हुए, जिसकी वजह से ना जाने कितने मासूम लोगों को अपनी जान की बलि देनी पड़ी, ना जाने कितने लोगों को अपना आसियाना खोना पड़ा। इसी कांड में IBA ऑफिसर अंकित शर्मा की चाकू मार मार कर हत्या कर दी गई। क्या यही है विपक्ष का राजधर्म? जब हमारे देश में कोई भी बिल आता है तो विपक्ष का यह राजधर्म होना चाहिए कि ये उस बिल में जितने भी प्रावधान है वह जनता तक सही ढंग से पहुंचाए। लेकिन आज विपक्ष की यह स्थिति हो गई है कि यह सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट की छवि को बिगाड़ने के लिए किसी भी प्रावधान को, किसी भी बिल को जनता के सामने तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत कर रहे हैं। इससे हमारे देश में हिंसाएं हो रही है। लेकिन मेरा आप सभी देशवासियों से यह आग्रह है कि कभी भी जब भी कोई बिल आता है तो आप गवर्नमेंट की वेबसाइट पर जाकर उस बिल को सही ढंग से पढ़िए। कभी भी विपक्षियों की बात में आकर हमारे देश में दंगे फसाद जैसी कोई भी घटनाएं को बढ़ावा ना दें। हमारे देश के विकास में अपना सहयोग दें और हमारे देश का नाम रोशन करें। इसी के साथ मैं अपने वाणी को देता विराम। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर YouTube चैनल। थैंक यू।